अरे बाप। तो ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उम्र को मैं अपने आप पर हावी नहीं होने दे रहा हूँ, और क्योंकि खुश रहता हूँ, सहज रहता हूँ, सरलता में बिलीव करता हूँ, तो उम्र छिपा लेता हूँ मैं। ये बहुत बड़ी बात है, उम्र आपने मेंटेन रखा है, ये सबसे बड़ी बात है। मैं लास्ट टाइम साहिल खान से मिला था तो मेरा इस फिल्म का जिक्र हुआ था उनसे, बोले यार जब मैं डायरेक्टर से मिला तो मुझे ऐसे सुनाई गई स्टोरी, दो बेवकूफ़ टाइप के लड़के साहिल खान ने मुझे बड़ा, हाँ तो बस ऐसे स्टोरी नरेशन हुई थी और ये फिल्म बन गई। बनने के बाद इतनी हिट हो गई मुझे भी नहीं पता, ये साहिल खान ने मुझे बोला था ये बात। नहीं, और ये सच, साहिल खान बारे में बता दूँ, मेरे नेबर हुआ करते थे जोगेश्वरी, जहाँ मैं रहता हूँ, बिल्कुल मेरे नेबर पास में। हाँ मतलब ऐसा था, और हम लोग पहले से जानते थे एक दूसरे को, साहिल और मैं, लेकिन हम लोग सेट पर मिले बहुत अरसों बाद, गैप के बाद। और हम सब जब शूटिंग कर रहे थे, हमको किसी को इल्म नहीं था इस बात का कि ये फिल्म इतनी मकबूल हो जाएगी, इतनी सुपर डुपर हिट हो जाएगी। इनफैक्ट यू वोंट बिलीव, जब ट्रायल भी हुआ था तब भी यकीन नहीं हो रहा था कि फिल्म हिट हो जाएगी। तो बोलते हैं ना कभी, मतलब मिरेकल्स वर्क्स क्लिक्स राधा। अच्छा, आपने इतने सारे स्टार के साथ काम कर ही रहे हो आप अभी, जैसे राधे भी मैं शायद, हाँ शाहरुख सर के साथ, सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस इसके साथ रहा है आपका, जो बहुत अच्छा बॉन्डिंग रहा है, जो सीन आप नहीं कर पा रहे हो तो जो बड़े स्टार होते हैं वो लोग सपोर्ट किया, ऐसा कौन सा आर्टिस्ट है जिससे आपका बॉन्डिंग बहुत अच्छा है? देखिए, मेरा सबसे पहले तो ये मानना है, हम सबका आइडेंटिटी, हम सबका कैरेक्टर डिफरेंट डिफरेंट होता है, और हम अच्छे तो सब अच्छे। तो चूंकि मेरे रिलेशन सबके साथ अच्छे हैं, सलमान भाई के साथ मैंने ये 8वीं बार काम किया राधे में, 8वीं बार, 8 बार काम कर चुका हूँ ऐड मिला के। और सलमान भाई मुझे बहुत पर्सनली अच्छे से जानते हैं, प्यार करते हैं, और कोशिश करते हैं कि मैं, इनफैक्ट कंट्रीब्यूट करते हैं, योगदान देते हैं अपना, और बहुत बहुत मतलब ऐसे एक, जैसे एक मेरा ऐड था, मुझे ऐड मेरे बहुत लाइक करते हैं सलमान भाई, तो मेरे 2-3 ऐड में उन्होंने बकायदा मुझे बुला करके तारीफ़ की थी मेरी। जैसे सेंटर फ्रेश का एक ऐड मेरा बहुत सुपर डुपर हिट हुआ था, बजरंगी वाला, तो वो सलमान भाई ने बहुत मुझे प्यार दिया था उस वक्त। मतलब हम उनकी एक फेवरेट दम बिरयानी होती है घर में, बनती है, तो वो हमने साथ में खाया था, ये उनका प्यार है। और उन्होंने मुझे एक ऐड भी रिकमेंड किया था, तो मैं भूलूँगा नहीं, और वो एक है। और रही बात शाहरुख खान की, शाहरुख खान के साथ मैंने 3 बार काम किया है, फिर भी दिल हिंदुस्तानी, पहेली, पहली में मेरा बहुत अच्छा किरदार था, सनमादिया बना था मैं, तो तब शाहरुख भाई के साथ किया था। फिर KBC उनका एक म्यूज़िक वीडियो ये था, जैसे KBC बच्चन साहब का था, वैसे उनका भी था शाहरुख खान का, कौन बनेगा करोड़पति, तो उसका जो टाइटल आता था, टाइटल में मैं था उनके साथ। सर, जैसे कि आपने सलमान सर के साथ काम किया, शाहरुख सर के साथ काम किया, आमिर सर के साथ भी तो किया होगा कुछ नहीं? नहीं, आमिर भाई के साथ काम तो नहीं किया मैंने, हाँ लेकिन आमिर भाई के साथ मैंने समय बहुत बिताया है, और वो मुझे पर्सनली जानते हैं, क्योंकि हम लोग थिएटर की दुनिया, थिएटर जब किया करते थे तो आमिर हमारा प्ले देखने आते थे उनकी वाइफ रीना के साथ। और अभी हाल फिलहाल मेरी एक फिल्म रिलीज़ पर है, फैक्ट्री नाम की, जो कि फैजल खान उनके छोटे भाई ने डायरेक्ट भी किया है और एक्ट भी किया है, तो उसमें मेन कॉमेडियन मैं ही हूँ, तो उनके परिवार से है संबंध, जानता हूँ मैं। तो मतलब ऐसा उन्होंने ऑफ़र नहीं किया आपको कि यार आप मेरे साथ काम करो आपका ऐड देख के? गजनी मैं करने वाला था, लेकिन वो मटरलाइज नहीं हो पाता, क्योंकि क्या है, कभी हम एक्टर लोग मतलब रोल और मोल दोनों को तवज्जो देते हैं, तो वहाँ दोनों में से एक पलड़ा भारी नहीं था, तो इसलिए मैं पीछे हट गया। सर, आपने 60+ फिल्में की हैं, तो कुछ ऐसे कैरेक्टर होंगे जो आपके लिए सिग्नेचर बन गए? नहीं, ऐसा सिग्नेचर तो नहीं है ऐसे कोई, मैं क्योंकि मैंने पहले कहा था अपने इंटरव्यू में कि मैं वर्सिटिलिटी में बिलीव करता हूँ, तो मैं अपना सिग्नेचर स्टाइल बनाना भी नहीं चाहता हूँ, हर किरदार डिफरेंट होना चाहिए, मुख्तलिफ होना चाहिए, इस पर मैं बिलीव करता हूँ। आपकी फैमिली से चीज़ें पूछे तो आपके घर में जैसे कि आपके बच्चे हैं, तो शादी का प्रोसेस आप स्टार बनने के बाद हुआ कि ऐसे शादी हो गई थी जैसे नॉर्मल लोगों की हो जाती है, क्योंकि आप स्टार हो तो स्टारों का एक अलग अलग कहानी होती है? नहीं, पहले बात तो ये बता दूँ कि मैं शादी करना ही नहीं चाहता था, और मकरंद देशपांडे आप जानते होंगे एक्टर, तो मकरंद देशपांडे बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, गुरु मैं मानता हूं उनको, तो हम थिएटर किया करते थे साथ में, तो हम दोनों ने साथ में फैसला किया था कि हम शादी कभी ना करेंगे। मैं फिर मान गया, मैं इमोशनल अत्याचार हुआ, मैं मान गया कि ठीक है मैं कर लूँगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि जिस दिन मेरा ऐड था मिंटो फ्रेश, एक मेरा ऐड जो काफ़ी फेमस हुआ था, आपको पता होगा, जब लैला को करना हो इम्प्रेस तो मजनू ने खाई मिंटो फ्रेश, तो मजनू मैं था उसमें, लेकिन लैला मेरी बनी कोई और, वो ऐड वाली नहीं, तो जैसे ही शूटिंग ख़त्म हुआ मैं अपनी शादी में भागा था। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है मेरे साथ कि अपनी शादी में गया मैं, तो शादी हो गई, बहरहाल फिर मैं सोचा बच्चे कभी नहीं करूँगा, पहले शादी के लिए मैं जिद्दी था कभी नहीं, फिर मैं बच्चे कभी नहीं करूँगा, फिर 5 साल बाद बच्चे भी करना पड़ा मुझे। हाँ, तो अभी एक
बीवी है, एक बेटा है। वाह, तो आपको क्या करें, तो ये समाज के दायरे में रह करके चलना पड़ता है ना। तो ऐसा नहीं बोलता कि बच्चों को जब आप फिल्म दिखाते हो अपनी या अपना आपका कैरेक्टर, पापा आप तो नॉर्मल घर में ऐसे नहीं रहते जैसे वहाँ दिखते हो, ऐसा रहा करो, मुझे ऐसे अच्छे लगते हैं। नहीं एक्चुअली क्या ना, हम बचपन से कोई भी, मेरे ख्याल से नॉट ओनली एन एक्टर, जैसा जिसका जो प्रोफेशन होता है बच्चा वैसे पलता है और बच्चा समझदार हो जाता है फिर। तो बच्चे को पता है कि जैसे अभी फॉर एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, अभी बीच में मेरी फिल्म की एक स्क्रीनिंग थी तो उसमें मुझे मारा जाता है, तो डायरेक्टर बोला कि तुम्हारे बेटे को बहुत बुरा लगा होगा, तो इससे पहले कि मैं बोलूँ बेटा बोलता है अरे ये तो सिनेमा है। तो बच्चे आजकल के बहुत समझदार हो गए, जबकि सिर्फ 10 साल का है, तो बच्चे बहुत समझदार हो गए, दे नो। अभी जब 16 साल का होगा या 14 साल का होगा उसकी गर्लफ्रेंड आप ढूंढोगे कि उसको ऊपर छोड़ दोगे भाई देख ले? नहीं, मेरा मानना है अपने आप को इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहिए हर एक को, फिर चाहे कोई भी हो। मैं बच्चे पर भी कोई इम्पोज नहीं करना चाहता, उसे जो बनना हो बने, हाँ लेकिन मेरा सपोर्ट जरूर रहेगा उसे अगर वो डिजर्व करता है तो। लेकिन मेरा अपना एक मॉड्यूल है, मॉड्यूल मीन्स मैंने एक सेटअप बना के रखा है कि फर्स्ट हाफ तक मैं अपने घर वालों का, जब मैं शूटिंग नहीं कर रहा होता हूँ तो शाम 5 बजे तक मैं मेरे घर का होता हूँ, और 5 के बाद मैं बाहर वालों का हो जाता हूँ, और 5 तक बाहर का फ़ोन नहीं उठाता हूँ, और 5 के बाद घर वालों का फ़ोन नहीं उठाता। नहीं नहीं मैं क्योंकि बोल ही नहीं सकती है, जब उन लोग सो जाते तब मैं पहुँचता हूँ घर। मतलब बोल के भी फायदा नहीं कुछ। हाँ सोने के बाद जाता हूँ, क्योंकि क्या है जगह हुआ देखूंगा तो फिर मैं सो नहीं पाऊंगा, इसलिए वो सो जाते हैं तब मैं जाता हूँ। और आपकी लाइफ का सबसे गंदा वक्त रहा, जब स्ट्रगल पीरियड हो या आपकी स्टार्टिंग की जर्नी हो या फादर के जाने के बाद या जो भी रहा, सबसे गंदा वक्त आपका जो आपको याद आता तो हमेशा रोना आता है, मतलब आपको ऐसा लगता नहीं यार ये वक्त रुक जाए, कभी ऐसा वक्त आया आपकी लाइफ में जैसे कि हर किसी इंसान की लाइफ में कुछ वक्त ऐसे होते हैं? देखिए मैंने जैसे पहले भी कहा था, मैं प्रोसेस मानता हूँ, और अच्छा या बुरा वक्त होता ही नहीं, वक्त हमारा होता है वो, फिर चाहे अच्छा या बुरा हो, अगर वक्त हमारा है और वक्त को हमें सजोना आता है, संवारना आता है, तो कोई भी वक्त बुरा हो ही नहीं सकता। एक सिंपल से आपको मिसाल देता हूँ, जैसे कोविड 4 महीने हम घर में बैठे थे, तो वो मैंने डिज़ाइन किया उस वक्त को, और आप यकीन नहीं करोगे ये वक्त कोविड वाला मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ वक्त हो गया। इनफैक्ट कोरोना पीरियड वाज द बेस्ट पीरियड ऑफ माई लाइफ, क्योंकि मैंने वैसे डिज़ाइन किया। तो वक्त हमारा होता है, हमारे हाथ में होता है, कैसे हम उसको जीते हैं। ऐसा कौन सा शख्स आपके लाइफ में रहा है, दोस्त या पेरेंट्स या जो, जिसके जाने के बाद आपको ज़्यादा तकलीफें होती हुई है, जिसको आप खोना चाहते हो? ऐसा कोई बंदा आपकी लाइफ में नहीं रहा कि अगर वो नहीं है आपकी लाइफ में तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा? हाँ मैं बताता हूँ, ऐसा इसलिए नहीं रहा क्योंकि क्या है, मैंने जैसे कहा ना हम अच्छे तो सब अच्छे, तो अगर हम नीयत साफ रखते हैं तो सब कुछ माफ़ होता है ऊपर वाले से। तो मैंने अपनी नीयत में कभी खोट नहीं आने दी, और यही वजह है कि अगर कोई आदमी मेरे लिए शायद अच्छा ना हो, नेगेटिव हो, तो नेगेटिविटी अपने आप निकल जाती है, दूर हो जाती है, तो मुझे उसे निकालना नहीं पड़ता खुद ब खुद। ऐसा कुछ कुदरत का फलसफा होता है कि वो दरकिनार हो जाता है। नहीं कभी नहीं, क्योंकि मेरा मानना है जब हम फेमस हो जाते हैं, सेलिब्रिटी स्टेटस लग जाता है, तो हम पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हैं, तो पब्लिक को हमें निराश कभी नहीं करना चाहिए, फिर चाहे हम निराश हो या ना हो। अच्छा, और हमें आशावादी होना चाहिए, और मैं हमेशा एंटरटेन करता हूँ। और एक चीज़ ये है, जैसे आपने बड़े डायरेक्टरों के साथ काम किया, बड़े एक्टर के साथ काम किया, कहीं ना कहीं छोटे डायरेक्टर के साथ भी आपको काम करना पड़ जाता है ना, बहुत सारी स्क्रिप्ट आपको लेके लोग आते हैं, बहुत सारा म्यूज़िक आपको लेके डिज़ाइन होता है, बट वो जब आपसे काम करते हैं आपके साथ, वो बताते नहीं यार आप गलत कर रहे हो, तो आपको गुस्सा आता होगा उनके ऊपर कि आप उनसे सीख लेते हो कुछ नए लोगों से या उनको सिखा देते हो? नहीं बिल्कुल नहीं आता है, बिकॉज क्या है ना, हमको पानी जैसा होना चाहिए, कोई भी रंग में रंग जाना चाहिए, और मेंटली, क्योंकि सब कुछ मैंने कहा जैसी मन स्थिति वैसी परिस्थिति,
आप अपने हिसाब से परिस्थिति निर्माण कर सकते हो। तो ऐसी छोटी छोटी फिल्मों में या छोटे, हमको मालूम है डायरेक्टर को कुछ नहीं आता, डायरेक्टर को डायरेक्शन का डी भी नहीं आता, लेकिन फिर भी वो जो कह रहा होता है वो हम कर रहे होते हैं। बिकॉज एक बात ये भी है कि जब डायरेक्टर हमें कास्ट कर लेता है तो हम सरेंडर कर देना चाहिए उसको, और फिर सोचना नहीं चाहिए कि उसे काम आता है ना। इसका एक मिसाल देता हूँ आपको, टेनू आनंद साहब कितने अच्छे डायरेक्टर, छोटे छोटे डायरेक्टरों के साथ काम करते हैं, लेकिन उनके आगे कभी ईगो नहीं आड़े आता है। हमने अभी, जैसे मैं नाम नहीं दूंगा एक फिल्म का, क्योंकि वो फिल्म का नाम लेने से बाकी सब भी आपको आ जाएगा जहन में, तो हम लोग टीनू आनंद और मैं एक फिल्म कर रहे थे, तो यही सवाल मैंने किया कि आपने शहंशाह दी, बड़ी बड़ी फिल्में दी, तो ये डायरेक्टर तो कुछ भी नहीं है और आप कितने खुशी खुशी काम, आपको मालूम है कि चुतियापा चल रहा है फिर भी आप इतने अच्छे से काम कर रहे हो क्या? तो बोलते बेटा मैं सिर्फ काम करने आया हूँ और सरेंडर कर देता हूँ अपने आप को, वो जो बोलते हैं मैं करता हूँ, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लड़ाता हूँ बस, लेकिन एक्स्ट्रा जरूर ले लेता हूँ। देखो मेरा मानना यह है कि जैसे मैंने कहा, मैंने डिवाइड करके रखा है, शाम 5 बजे तक मैं घर का, 5 के बाद मैं बाहर का, तो 5 बजे के बाद मुझे एक्टिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन आजकल जो ट्रेंड चल रहा है इंडस्ट्री के बाहर के जो लोग हैं उन्हें कुछ पता नहीं होता है, बस अपना ही अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ नहीं ऐसा ही हुआ होगा, यही सच है। तो आपके मतलब रिश्तेदारों में कोई आपसे टकराता है, आपसे पूछते नहीं उसका ऐसे क्या हुआ था, ये क्यों हुआ था, तो आप उन लोगों को टैकल कैसे करते हो? देखिए जाहिर सी बात है, इंसान प्रवृत्ति ऐसी रहती है कि ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, तो ऐसे बहुत से लोग अपने एक उलसलूल कहानियाँ बनाते रहते हैं, किससे कहानियाँ चलते रहते हैं, और वो लोग क्रॉस चेक भी करते हैं सामने आकर के कभी कभी, तो ऐसे टाइम पे उन लोग को मतलब इग्नोरिंग इज़ द बेस्ट पॉलिसी, दिस इज़ व्हाट आई फर्मली बिलीव इन, तो इग्नोर करो बस, दैट्स इट। और उनको हम अगर समझाने जाए ये वो, उन लोग अपना मन बना चुके हैं, तो ऐसे ढीठ लोगों के कभी पल्ले नहीं पड़ना चाहिए, उनको उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। ऐसे तमाम डायरेक्टर है, और अभी तो ऐसे अच्छे अच्छे डायरेक्टर आ रहे हैं, निर्देशक बहुत अच्छा अच्छा निर्देशन कर रहे हैं वो, जिनके साथ सच में मैं काम करना चाहूँगा आगे चल करके, जैसे कि श्री नारायण साहब जिनको टॉयलेट एक प्रेम कथा, हाँ वो उनके साथ काम करना चाहूँगा। फिर आर बाल्की, उनके साथ काम, आर बाल्की मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, उनके साथ काम करना चाहूँगा। तो अभी इनफैक्ट बहुत अच्छे अच्छे वुमेन डायरेक्टर बहुत अच्छे अच्छे आ रही है, रीमा कागदी मुझे बहुत अच्छी लगती है, जोया अख्तर बहुत अच्छी लगती है, तो इनके साथ काम करना चाहूँगा। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं अच्छे अच्छे निर्देशकों के साथ काम कर चुका हूँ, जैसे कि रूमी जाफरी हो गए, उनके साथ मैंने गॉड टू सीक्रेट हो की थी, अमोल पालेकर के साथ की थी पहेली, इंद्र कुमार के साथ की थी प्यारे मोहन, तो तिग्मांशु धुलिया के साथ हासिल की थी। तो ऐसे अच्छे अच्छे बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने के बाद अब एक इच्छा जागी है कि ये जो महानुभव है, मैंने जिनका सबका नाम लिया, उनके साथ काम करने की बड़ी दिली तमन्ना है। और मैं जगमोहन मुद्रा के साथ भी काम कर चुका हूँ, जो कि अपने आप में बहुत मतलब कमाल के डायरेक्टर थे। मैं मिला हूँ श्रीनारायण सर से, जगमोहन मुद्रा साहब श्रीनारायण, अच्छा श्रीनारायण, हाँ सर से मिला हूँ, तो उनसे भी पूछा था, बहुत सारे मैं भी डायरेक्टर से मिल चुका हूँ सर, बहुत अच्छे इंसान है वो बहुत। अभी उनके साजिद भाई के साथ भी कोई प्रोजेक्ट चल रहा है उनका, बता रहे थे कि मैं कर रहा हूँ, साजिद भाई ने साइन किया उनको, चाहता हूँ कि आप उनके साथ काम करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके